नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम रस खान के सवैयों का सार और उनका सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो जो सवैया है, रस खान जी ने सवैया ही लिखे हैं। सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें चार पद होते हैं। उनका स्वरूप तुकांत होता है और उसके हर चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। दो गुरु और दो लघु की आवृत्ति होती है। सवैया के कुछ भेद भी हैं, जैसे मदिरा सवैया, मत्यगंध गयंध सवैया, दुर्मिल सवैया, सुंदरी सवैया, सुमुखी सवैया। तो हमारे जो पाठ्यक्रम में शामिल है, बीए प्रथम वर्ष की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक में, वो सवैये हम करते हैं। उन सवैयों का सार बता देते हैं एक बार कि रस खान कृष्ण भगत कवि हैं। उन्होंने अपने सवैयों में श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उद्घाटित किया है। इन सवैयों का जो प्रमुख प्रतिपाद्य है वो श्री कृष्ण की लीला माधुरी है। रस के सागर श्री कृष्ण ने जिन जिन लीलाओं को ब्रजभूमि में रचा था, उन्हीं लीलाओं से प्रभावित होकर कविवर रस खान ने उन्हें अपने काव्य में स्थान दिया है। यथा बाल लीला, गोचरण लीला, कुंज विलास, चीरहरण और पनघट। इसके अतिरिक्त कृष्ण सौंदर्य, ब्रज प्रेम, मुरली ढा, प्रेम स्वरूप, भक्ति भावना आदि का भी अत्यंत सुंदर और सजीव उल्लेख किया गया है। पठित पद्यांशों में कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का विशद वर्णन किया है। अधिकांश पदों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण ने मोर के पंखों से बना मुकुट धारण किया हुआ है और गले में वनमाला सुशोभित है, पीला वस्त्र पहना हुआ है जिसकी चमक सैकड़ों बिजलियों से भी अधिक है, और हाथ में बांसुरी धारण की हुई है जिसकी मधुर तान पर संपूर्ण विश्व विमोहित है। तो कवि पुनः कहता है कि भगवान को पुराण आदि ग्रंथों के पढ़ने और वेद रचाओं के सुनने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। समाज के लोगों द्वारा बताए गए उपायों से भी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभु की प्राप्ति तो प्रेम के मार्ग पर चलकर ही हो सकती है। इसलिए कवि ने ईश्वर को प्रेम में और प्रेम को ईश्वर में ढूंढा है। तो पहला सवैया करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धार्यो कर छत्तर पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसैरो करो, मिली कालिंदी कुल कदंब की डारन। प्रस्तुत सवैया हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित एवं रस खान द्वारा रचित सवैयों में से उद्धृत है। सवैया एक वार्णिक छंद है। हिंदी के मुसलमान कवियों में उनका स्थान सर्वोच्च है। इसमें कविवर रस खान ने अगले जन्म में श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में जन्म लेने की इच्छा प्रकट की है। तो महाकवि रस खान का कथन है कि हे प्रभु, मानुष हो तो यदि मैं मनुष्य बनूं तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारिन। तो खुद के लिए कहता है कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो मेरा जो जन्म स्थान है वो ब्रज या गोकुल गाँव के जो गवाले हैं उनके साथ हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और यदि मनुष्य बनूं तो ठीक है, अगर मनुष्य ना भी बनूं, मैं पशु बन जाऊं अगले जन्म में, तो बस मेरा इतना ही कहना है कि मैं नित्य नंद की गायों में चरता रहूं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण की जो गायें थी, वो गवाले उनको चराते थे, तो उन जो गायें कृष्ण की हैं उन्हें गायों में मैं भी चरता रहूं। कि या तो मुझे मनुष्य बनाओ बनाओ भगवान, तो मैं ब्रज के जो गोकुल के ग्वाले हैं वहां पे मेरा जन्म हो। अगर मैं मनुष्य ना भी बनूं, पशु बन जाऊं, तो भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि हे भगवान, मेरा जन्म वहां पे हो
कि मैं जो श्री कृष्ण की जो गायें हैं वहाँ पे जो गायें चरती हैं, ग्वाले चराते हैं, उन्हीं गायों के बीच में चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो धार्यो कर छत्तर पुरंदर धारण। और हे प्रभु, यदि मैं पत्थर भी बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगुली पर धारण करके इंद्र के क्रोध से गोकुल की रक्षा की थी। तो यहाँ पर रसखान जी ने तीनों ही स्थितियों में कि अगर मनुष्य बनूं तो भी मैं श्री कृष्ण के का जहाँ पर निवास स्थान है वहाँ पर हूँ, अगर मैं पशु बन जाऊँ तो गाय बना दो मेरे को ताकि मैं श्री कृष्ण की गायों के बीच में चरता रहूँ, अगर मुझे मनुष्य और पशु नहीं बनाते तो मुझे पत्थर भी बनाओ तो मैं उस पत्थर, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर का रूप धारण करूँ जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगुली पर उठाया था और अपने गोकुल की रक्षा की थी। जो खग हो जो बसेरे बसेरे करो मिली कालंदी कुल कदंब की डारी। हे प्रभु, यदि मैं खग, खग का अर्थ होता है पक्षी, अगर मैं पक्षी भी बनूं तो मेरा बसेरा करो मिली कलिंदी कुल कदंब। कलिंदी कुल कलिंदी का अर्थ है कलिंद पर्वत से निकली यमुना नदी। कलिंदी जो यमुना नदी है वो कलिंद पर्वत से निकलती है इसलिए उसका नाम कलिंदी है। कुल का मतलब उसका किनारा और कदम्ब, कदम का एक पेड़ होता है, यह सदाबहार पेड़ होता है, इस पर गोल फल लगते हैं और यह देव वृक्ष माना जाता है। इसके फल हम वो नींबू की तरह गोल होते हैं और इसके फल हैं वो बहुत ही रोगों के उपचार के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि वो तीनों बनो तो ठीक है, अगर फिर भी उन तीनों के अलावा भी मुझे और कुछ बनाओ तो मुझे पक्षी ही बनाओगे। पक्षी बनाने के बाद भी मैं वैसा पक्षी बनना चाहता हूँ कि जो यमुना के कलिंदी, मतलब कलिंद पर्वत से निकली जो यमुना नदी है उसके किनारे जो कदम का वृक्ष है उस वृक्ष पर बैठने वाला पक्षी बन जाऊँ ताकि मैं श्री कृष्ण के आसपास ही रहूँ। तो कहने का भाव है कि रस खान प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं जिससे उसके मन में व्याप्त श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम का परिचय मिलता है। तो इन पंक्तियों में कवि की श्री कृष्ण के प्रति गहन भक्ति भावना व्यक्त हुई है और कालिंदी कुल कदम में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो आठों सीधी नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई बिचारो। रस खानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग तड़ांग निहारो कोटिक रोकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कलधोत का अर्थ है महल, करील का अर्थ है कांटेदार और लकुटी का अर्थ है लाठी। अरु और कामरिया कंबल, तिहुपुर तीनों लोक आकाश पाताल और पृथ्वी। तजी का अर्थ है त्यागना आठ सीधी, आठ सीधियों का अर्थ है आठ सीधियाँ, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईसवतो और वसितो। जो ये आठ सिद्धियां होती हैं, सिद्धि का अर्थ होता है विलक्षणता की भावना, अणिमा का अर्थ होता है सूक्ष्म रूप धारण करना, बिल्कुल आदमी ऐसा रूप, अणिमा में ऐसा रूप धारण कर लेता है अणु से भी छोटा जो दिखाई नहीं देता, और महिमा इसका विपरीत अर्थ होता है सूक्ष्म विशाल, कि इसमें आदमी के पास इतनी शक्ति होती है मनुष्य के पास कि वह अपना विशालकाय शरीर धारण कर लेता है। गरिमा का अर्थ है इसमें भार में वृद्धि हो जाती है और लघिमा का अर्थ है हल्का, जिसमें मनुष्य वायु के समान हल्का हो जाता है। और प्राप्ति का अर्थ है काल से परे जाने की सिद्धि या मनुष्य मनचाही जगह पर जा सकता है। प्राकाम्य का अर्थ होता है किसी के मन की बात या मन की इच्छा को जान लेना। ईसवतव का अर्थ होता है स्वामित्व या दुनिया पर अपना अधिकार जमा लेना। और वसीतव का अर्थ होता है इच्छा मृत्यु या वसीभूत, किसी को वसीभूत कर लेना। एक नवनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। निधि का अर्थ होता है संपत्ति धन दौलत खजाना कोष। तो नवनिधियाँ,
यहाँ पर प्रयोग किया है। नौनुध्या में पदम, पदम में व्यक्ति के पास अगर पदम जो निधि होती है उसमें उसके जो गुण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। महापदम में 7 पीढ़ी के बाद खत्म हो जाता है उसका प्रभाव। और शंख में सिर्फ वह अपना धन स्वयं यूज करता है। और सूक्ष्म मकर में उसके पास अस्त्र शस्त्र की विद्या होती है। और कच्छप का अर्थ होता है कि धन को छुपा देता है, वह न धन का प्रयोग खुद करता है न और कि उसके परिवार वाले भी नहीं करते हैं। मुकुंद का अर्थ है कि एक पीढ़ी के बाद उसका जो धन दौलत है वो खत्म हो जाती है। और नील का अर्थ है कि व्यापार के कारण होता है नील जो निधि होती है। और सरव में खरव में विकलांग आदमी विकलांग व घमंडी होता है, तो इसमें तामसिक वृत्ति होती है। तो आठों सीधी नव निधि को सुख नंद की गाय चराई बिशारो। तो यहाँ पर रसखान जी ने 8 निधि और नव निधियों का भी प्रयोग किया है। तो कवि कहता है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। कवि कहता है कि श्री कृष्ण की लाठी और कमली पर मैं तीनों लोकों के राज्य के सुख को निछावर कर दूंगा। तीनों लोक मतलब आकाश पाताल और पृथ्वी। आठों सिद्धि और जो 8 मेरी सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्पेय सतो, जो भी मुझे सूक्ष्म विशाल वायु बार जो भी कुछ होने का मुझे वो वरदान मिला हुआ है, मेरी जो 8 सिद्धियां हैं और जो 9 निधियां हैं उसके सुख को भी मैं भुला दूंगा। नंद की गायें चराई बिसारो। और नंद की गायों को चराने के लिए अगर मुझे ये काम सौंप दिया जाए या नंद की गायों को चराने का कार्य दे दिया जाए तो मैं अपनी 8ों सिद्धियां और 9 निधियों को भी भुला दूंगा। रसखानी कबो इन अखियां आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कि मैं अपनी आंखों से ब्रज के जो बाग बगीचे हैं, तड़ाग मतलब तालाब हैं, उनको देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। कोटिक रो कलधोत, कलधोत का अर्थ होता है महल, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, के धाम क्रिल, क्रिल का अर्थ होता है कांटेदार, के कुंजन ऊपर वारो। कि मैं ब्रज के वृक्षों के समूहों पर जहाँ कभी श्री कृष्ण खेलते थे एवं गायों को चराते थे वहाँ पर सोने से निर्मित करोड़ों भवन न्योछावर कर दूंगा। तो इन पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपनी गहन प्रेम भावनाओं को व्यक्त किया है। धन्यवाद।